नमस्कार बच्चों, आज इसमें इंग्लिश में हम जो है यहाँ पे से पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये चौथा पार्ट है आपका। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अगले बार मुझे याद है कि आई वॉज मैं तालाब के पास पीठ के बल लेटा हुआ था और उल्टियाँ कर रहा था। द कैप दे थ्रो मी, लड़का वो जो लड़का था, थ्रो मी इन द सेइंग, जिसने पानी में फेंक दिया था, कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तुम्हें क्यों मूर्ख बना रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, के लड़का मर गया होता। बट ऑल राइट नाउ, लेकिन सब ठीक हो गया। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ उसको हम लॉकर रूम की ओर लेके चलते हैं। इसके बाद पैराग्राफ में 18 में सेवरल आवर, कुछ देर तक, घंटे तक बाद आई वॉक होम, में घूम चल के अपने पैदल घर गया। आई वॉज वीक, मैं कमजोर था, एंड ट्रेवलिंग, कांप रहा था। आई शोक एंड क्राइड, मैं डर रहा था। और वैन आई वॉज ले ऑन माई बेड, मैं बिस्तर पर लेटा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ ना खा सका। फॉर डेज, कुछ दिन तक, ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, मेरे हृदय में डर बैठा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सप्रेशन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, और वो डर मेरे कुछ दिन तक तो मंडराता रहा। इन द नीज, मेरे घुटनों में, एंड सिक मी माई स्टोमच, और मेरे पेट खराब हो गया। नी माने घुटना। आई नेवर बैक टू दी पूल, मैं कभी तालाब पे नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड, मैंने बचने का प्रयास किया। इट वाज व्हेरेवर आई कुड, और यहाँ वर्ड मीनिंग है, ये हॉन्टिंग एक्सप्रेशंस वॉबली का अर्थ है डगमगाने वाला। फिर है, फ्यू ईयर्स आई लेटर वैन आई कम बैक नो द वाटर ऑफ द कैस्केड, कुछ साल बाद जब मुझे पता चला तो कि मैं उस कैस्केड झरने के तालाब के बारे में पता चला, तो आई वॉन्टेड टू गेट इंटू का अर्थ है उतरना, मैं उसमें उतरना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैंने ऐसा प्रयास का, वेदर आई वॉज रेडिंग दैट टैटॉन और बॉम्बिंग रिवर, आई वॉज मैं टार्टन या बॉम्बिंग नदी में तैर कर पार करना चाहता था। लेक ऑफ द गॉट रॉक्स, और गॉट रॉक्स की गर्म झील में, पानी में स्नान करना चाहता था। द टेरर दैट हैड सीज मी, लेकिन उस ताल में वो डर मुझे जकड़ लेता था। सीज मान होता है जकड़ लेना। इन द पूल वुड कम बैक, और मैं वापस आ जाता है। वो पूरी तरह से, इट वुड टेक पोजिशन मी कंप्लीटली, वो डर मेरे को पूरी तरह से काबू में ले लेता था। मेरी टांगें निष्क्रिय हो जाती थी, माई लेग पैरालाइज, निष्क्रिय निष्क्रिय। क्राई आवर वुड ग्रैब माई हार्ट, और वो जोर से मेरे हृदय को जकड़ लेता था। इसके बाद हम पैराग्राफ 20 पे आते हैं। ये कैस्केड एक झरना है, जलप्रपात, वेडिंग, पानी को चीरते हुए तैरते हुए आगे बढ़ना वेडिंग कहलाता है। फिर 20 पे आएंगे, दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी द इयर्स रोल्ड बाय, और आने वाले वर्षों में भी ये अक्षमता मेरे साथ बनी रही। बाय इन कैनॉन्स बी मैन माइन लेक फिशिंग, और हैंडलॉक सालमन बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डचेस्ट एंड मेटोलियस इन ऑर्गेन्स, फिशिंग और सालमन ऑन द कोलंबिया, और बॉम्बलिंग लेक इन द
कैस्केट और मैंने झील में डोंगी में बैठकर नाव में बैठकर सालमन मछली पकड़ना जो झील के एक ऐसे भाग में रहती थी जो लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ था। न्यू हैम्पशायर में ताजे जल में रहने वाली बास मछली को पकड़ना और डिशूट में ताजे पानी में रहने वाली सामान्य मछली ट्राउट को पकड़ना और ओरेगन में मेटोलियस मछली पकड़ना और कोलंबिया में सालमन मछली पकड़ना आदि। Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. जब भी मैं पानी पास गया वो डर ने मेरे को मेरे पर हावी हुआ। I ruined my fishing trip. इस डर ने मेरे इस यात्रा को ख़त्म समाप्त कर दिया। Deprived me the joy of canoeing, boating and fishing. और डोगी चलाने वाली नाव चलाने और तैरने की खुशी से मुझे वंचित कर दिया। I used every way I knew to overcome to this fear. I used every way. इस डर पर काबू पाने के लिए जितने भी मैं तरीके जानता था वे वो मैंने करे, लेकिन मैंने अपने आप को अपनाया पर डर बना रहा। उन तरीकों को मैं चाहता था कि मैं डर दूर हो, बट इट हेल्ड मी फ्रीमली इन द ग्रीप, लेकिन इसने मुझे जकड़ लिया। आखिरकार फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट इंस्ट्रक्टर एंड टर्न टू स्विम। मैंने एक निर्देशक से सीखने का निश्चय किया। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिसाइज 5 days वीक और मैं तालाब पे गया और मैंने एक हफ्ते 5 दिन तक अपने अभ्यास किया। एन आवर इज डे और 1 घंटा प्रतिदिन। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। उस निर्देशक ने मेरे कमर में एक बेल्ट बांधी, ए रोप अटैच टू दी बेल्ट और उस रस्सी को एक बेल्ट से अटैच कर दिया। वेंट थ्रू ए पुली, जो पुली से गुजरती थी, जो ऊपर लगे केबल पे चलती थी। दैट ऑन रन ऑन माने चलती थी। ओवरहेड केबल, ऊपर लगी हुई केबल से चलती थी। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। और उसने रस्सी का सिरा पकड़ा और हम आगे पीछे चलते रहे। वेंट बैक, आगे पीछे चलते रहे। एंड बैक फोर्थ अक्रॉस द पूल, और उस तालाब के आर पार गए। आफ्टर आवर, 1 घंटे तक। डे आफ्टर डे, और काम कुछ घंटों दिनों हफ्तों चलता रहा। ताल के एक कोने से दूसरे कोने तक तैरने में थोड़ा डर मुझे जकड़ लेता था। आवर एंड आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक वन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल विट ए पैनिक सीज मी। ईच टाइम, प्रत्येक समय द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रॉप, और प्रत्येक दशा में उसे सिखाने वाले शिक्षक ने जो है मुझे थोड़ा ढील देता था। रिलैक्स माने होता है ढील देना, ढील देना। एंड आई वेंट अंडर द सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न ऑन माय लेग्स फ्रॉस्ट, और उसी समय मेरी टांगें लड़खड़ाने लगती, मेरा पुराना डर वापस आ जाता। इट वाज 3 मंथ्स बिफोर, और तीन महीने बाद तनाव कम होने लगा। इट वॉज 3 मंथ बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक। देन ही टॉच मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर। उन्होंने कहा कि मैं अपना मुंह जो है पानी के अंदर, चेहरा जो है पानी के अंदर रखूं एंड
एक्सहॉल्टी रेस माय नोज, और मैं अपनी नाक को ऊपर उठा के रखूं और सांस छोड़ूं और अंदर सांस लूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, मैंने इस इनहेल वन होता है सांस लेना, और इस एक्सरसाइज को मैंने प्रैक्टिस को 100 बार किया, बट बिट ए बिट थोड़ा थोड़ा आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी, लेकिन व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सर पानी के अंदर होता था तो लेकिन वो डर मुझे थोड़ा थोड़ा, वह जो डर मुझे पानी में सिर रखने पर जकड़ लेता था, अब धीरे धीरे कम हो गया था और इस डर का एक भाग समाप्त हो गया था। ये लिखा है बिट थोड़ा थोड़ा शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी, उस डर का एक भाग समाप्त हो गया था। और कहने का अर्थ है लेखक जो है वो तैराकी का जो है कार्य सीख गया था, और क्योंकि उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह से सारी मतलब गाइडलाइन दे के उन्हें समझाया था कैसे आपको तैरना है। तो बच्चों इससे आगे का जो पार्ट है वो आपको बाद में भेजा जाएगा, ये आपका 4th पार्ट था। ठीक है, धन्यवाद।